सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। छठी जमात मैथ्स रिच कोर्स का दसवां दिन जुज़ अददों का इल्म ज़ीली जुज़ अज़ा इबारती मिसालें आइए समझ लें। एक किसान ने पहले दिन रुपयों का और दूसरे दिन रुपयों का अनाज खरीदा, तो इन्होंने नंबर्स लिखे नहीं हैं यहाँ पर आदाद। पहले दिन 34,596 और दूसरे दिन 47,348 रुपयों का अनाज खरीदा, तो उसने कुल कितना माल फरोख्त किया। यहाँ माल फरोख्त किया ख़रीदा, यहाँ थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर पूछा उसने कि कितना माल ख़रीदा कुल, तो इसमें हमें दोनों को जमा करना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से जमा किया गया, 8 में 6 जमा किया 14, 14 के 4 हासिल का 1। अभी हासिल को मन में ही करना है, इससे पहले वाले में आप हासिल के लिए अलग से बॉक्स बनाकर उसमें लिख रहे थे, यहाँ आपको अब मन में ही ये स्टेप कर लेना है। तो हो गए 14 का 4, फिर हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 4 14, फिर से 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 होंगे, उसमें हासिल का 1 जोड़ेंगे तो 9, 7 और 4 होते हैं 11, 11 का 1 हासिल का फिर 1 आया, फिर 4 और 3 7 और उसमें हासिल का 1 जोड़े तो 8। इस तरीके से हम हिंसों की जमा कर सकते हैं। फिर से इन्होंने करके दिखाया, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से बॉक्स बनाए। फिर इकाई के अददों को एक साथ जोड़ा तो 9 और 7 16 का 6 हासिल का 1 आया, 6 और 1 जोड़े तो 7 जवाब आएगा, 3 और 7 10, 10 का 0 हासिल का 1, तो 4 और 4 8, 5 और 2 7, 6 और 1 7 7 और 2 9, इसी तरह से आपको अब करना है। आइए मश्क करें, नीचे दी हुई मिसाल हल कीजिए। यहाँ पर आप बहुत आसानी से हल कर सकते, 7 और 5 कितने होते हैं, 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल का 1, फिर 4 और 3 7, 7 में हासिल 1 जोड़े तो 8, 2 और 2 4, 9 में 0 जोड़े 9, 4 में 3 जोड़े तो 7, 8 और 1 9, इस तरह से आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। ज़हनी आजमाइश, यहाँ साहब राव ने 9,13,557 रुपये का ट्रैक्टर और 32,068 रुपयों की दीगर चीज़ें खरीदी, तो उन्होंने कुल कितने रुपये खर्च किए, तो यहाँ पर दोनों को जमा कर देना है। इम्तिहान में 38,60,049 लड़के और 47,08,204 लड़कियों ने शिरकत की, तो कुल कितने तालबात ने इम्तिहान में हिस्सा लिया, यहाँ पर भी आपको दोनों को जमा कर देना है। और इकाई के नीचे इकाई की नंबर को रखना, इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आइए प्रैक्टिस कीजिए।